सबसे पहले हम यहाँ पर हाफ कप फ्रेश कर्ड लेंगे, बिल्कुल थिक, और उसे थोड़ा सा फेंट लेंगे। कर्ड अच्छे से फिट गया है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो इसकी जगह चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/4 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, सॉल्ट अंदाजे से आधा छोटा चम्मच, हाफ लेमन जूस, अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर ऐड करके वापस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहां पर ये स्क्वायर शेप में आप देख सकते हैं कैप्सिकम हमने यहां ग्रीन कट कर रखा है, हम इसमें इसे ऐड कर देंगे। बेल पेपर है रेड कलर, वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें मल्टी कलर्ड बेल पेपर्स यूज कर सकते हैं, हमने यहां पर सिर्फ दो कलर्स लिए हैं। सेम शेप में कटे हुए अनियंस हैं और ये पनीर के पीसेस हैं। इन सबको ऐड करके अब हम इन्हें जेंटली मिक्स करेंगे ताकि पनीर के पीसेस खराब ना हो। ये अच्छी तरह से सारे वेजिटेबल्स इस बैटर में मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट्स तक। हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम एक सीक ले लेंगे, आप चाहे तो वुडन सीक, एल्युमिनियम सीक, जो भी सीक आपके पास हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम अब एक एक स्लाइस हर चीज अच्छी तरह से सेट कर देंगे। इस तरह से एक स्लाइस हमने ये लिया, फिर हम एक स्लाइस पनीर का ले लेंगे, फिर हमने यहां पर एक ग्रीन कैप्सिकम लिया है, फिर हम यहां पर एक अनियन ले लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो उस पर प्लीज कमेंट भी करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। ये इस तरह से हमें जो है अपनी सारी सीक्स बना लेनी है, और भी जितने हम बनाएंगे टक करके। हमने पनीर टिक्का की सारी सीकें बिल्कुल तैयार कर ली हैं। अब हम एक तवा गरम कर लेंगे और उस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, इस तरह से फैलाते हुए ऑयल लगा देंगे ताकि पनीर टिक्का अच्छी तरह से फ्राई हो सके। इस तरह से सारे पनीर टिक्का को हम ऐसे अरेंज कर लेंगे और इसके ऊपर वापस हम हल्की हल्की ऑयलिंग कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। एक साइड से सारे पनीर टिक्के सिक गए हैं, अब हम इसे धीरे से उठाकर ऐसे दूसरे साइड से सेक देंगे। इस तरह से पनीर टिक्का चारों तरफ से देखिए हमने पलट के पका लिया है, काफी क्रिस्पी बन गया है ये। अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है।